हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है एक सीरियल के ऊपर होने जा रहा है, एक ड्रामे के ऊपर होने जा रहा है जो पाकिस्तान में बल्कि नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप ट्रेंड पर चल रहा है। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि भाई हम कौन से ड्रामे की, कौन से एपिसोड की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं इश्क मुर्शिद की। तो आज हमारे साथ है मिस्टर फहीम रजा एंथनी साहब। तो ये जो है आज उनसे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जो दिन ब दिन जो इनके व्यूज कम हो रहे हैं और क्यों जो है क्या वजूहत है जो दिन ब दिन ये बोरिंग होता जा रहा है और क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टोरी में। तो हम चलते हैं फहीम भाई के पास। तो फहीम भाई, हम आपको बताएं कि क्या वजूहत हैं और क्या चल रहा है। सबसे पहले तो पवन भाई, इश्क मुर्शिद पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया और तकरीबन जो उर्दू समझने वाली दुनिया है उसमें टॉप ट्रेंड पे चलने वाला ड्रामा है। बिलाल अब्बास और दूरे खुशियाँ, उमेर राना की अदाकारी ने उसमें जान डाली हुई है ड्रामे की। 36 मिलियन तक व्यूज उसके गए, मगर जो लास्ट एपिसोड था उसमें उसके व्यूज आए हैं 23 मिलियन। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो स्टोरी चलती चलती एकदम से जो बगैर किसी की परेशानी के शिवरा और फजल बख्श की शादी करा दी और स्टोरी से थोड़ा सा फोटो घट गया, इस वजह से मुझे लगता है कि उसकी व्यूज कम आ रही है, थोड़ा सा लोगों को बोरिंग लगने लग गया है। और बकायदा उसमें जो उसकी यूट्यूब पे जो उसके आते हैं कमेंट्स वगैरह, उसमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि लोगों को भी बोरिंग लग रहा है। जी। अच्छा, दूसरी बात कि ड्रामे में आगे क्या होगा। तो ड्रामे में मुझे ये लगता है कि बिलाल अब्बास पे एक तो सियासी तनाव है महरीन के बाप से, वो उसकी दुश्मनी में है, और दूसरा महरीन उसकी शादी की वजह से दुश्मनी में। तो शायद फजल बख्श पे या शिबरा पे अटैक होगा, बकायदा ट्रेजर में भी दिखाया हुआ है कि ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है, पर शायद ऐसा है कि महरीन पहले भी अटैक कर चुकी है शिबरा के बाप पे, हो सकता है इस वजह से, या महरीन का बाप वो अटैक कराए सियासी इख्तलाफ की वजह से, क्योंकि सियासी जब इख्तदार का इख्तलाफ होता है तो, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों की क्वालिटी है कि पाकिस्तानी ड्रामे हकीकत पर मबनी होती है। हमारे पड़ोस इंडिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मगर अफसोस के साथ कहना सकता हूँ कि इंडिया में जो ड्रामा वगैरह दिखाया जाता है हकीकत से दूर एक चीज बनाते हैं वो लोग, क्योंकि वो नागिन आ रही है, नागिन जा रही है, ये चीज। तो पाकिस्तानी ड्रामों की ये क्वालिटी है, बकायदा पाकिस्तान से ज्यादा उसके व्यूज इंडिया में हो गए, ये भी एक फैक्ट है, आप भी समझते हैं। तो पाकिस्तानी ड्रामों में हकीकत दिखाई जाती है तो इस वजह से लोग पसंद करते हैं, और इस वजह से पाकिस्तानी ड्रामों की मांग है, बकायदा पॉपुलरिटी है उनकी। जी जी बिल्कुल, ये चीज़ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और बिलाल अब्बास बेहतरीन एक्टर, और उनके साथ अलीगुल मल्ला साहब, उन्होंने जो उस ड्रामे में तड़का लगा रखा है जी बिल्कुल बेहतरीन किस्म का, क्योंकि ये भी एक, मैं समझता हूँ कि एक तो सिंधी इंडस्ट्री से एक अदाकार को लेके और उसको इतना मुकाम देना, बकायदा प्रोड्यूसर साहब को इसका क्रेडिट जाता है, और माशाल्लाह उसका जो गाना है सिंधी गाना क्या बोलते हैं उसको शुरू में, सपना सपना तू इंजा सपना निंद अचेत दिसा आऊं जुगन खा जाग्यो आहा तो लाए गीत रचन तो चाहा निंद लफ्ज मिलता लिखा सपना
सपना तुम्हें जा सपना निंद अचेत दिशा बेहतरीन बेहतरीन तमाम बेहतरीन। और हैट्स ऑफ प्रोड्यूसर साहब जो भी उसकी जो ड्रामे की जो टीम है उनपे है कि उन्होंने सिंधी कल्चर को प्रमोट किया। जी जी बहुत अच्छा ड्रामा है, आगे देखते हैं 30-32 एपिसोड मुझे लग रहे हैं इस ड्रामे के होंगे। जी जी बिल्कुल। और आप बताएं आपको कैसा लगता है ये ड्रामा? बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल जैसे आपने बताया वैसे ही मुझे लगता है कि शायद ऐसा होगा, तो हमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आज जो है अभी कुछ इनकी जो है। तो गाइस आपने देखा कि फहीम भाई जो है इस ड्रामे के बारे में आपको बताया, तो अगर आप भी क्या सोचते हैं इस ड्रामे में, क्या जो आपके ख्याल आते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर आपको फहीम भाई की आवाज़ अच्छी लगी हो तो उनके लिए एक लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना, और उनका नंबर जो है मेरे पास है, और अगर किसी भी बंदे को उनकी वॉइस सुननी हो तो बिल्कुल वो फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप तो क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा और कैसा आप लोग चाहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बाय बाय, खुदा हाफिज़।